हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्पेशल किचन। आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन का हलवा, जो बहुत ही डिलीशियस है और हेल्दी भी है। इसे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। तो मैंने लिया है एक कटोरी बेसन। बेसन मुझे एक कटोरी के साथ 1/4 कटोरी और लेना है। और मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सूजी, आधा कटोरी मैंने चीनी ले ली है और लिया है साथ में पानी। पानी में हम थोड़े से एक चुटकी केसर डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम पहले से ही इसमें डाल के रखेंगे ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। एक पैन में मैं बेसन ले लूँगी थोड़ा सा और साथ में सूजी, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी 30 से 40 सेकंड तक हम इसे सूखा ही भूनेंगे। अभी घी नहीं इसके अंदर डालेंगे। और जब इसका कलर चेंज होने लगे और अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसके अंदर घी डालेंगे। सूखा भूनने से ये जल्दी से भून जाता है। लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना। तो 40 सेकेंड हो चुके हैं इसे भूनते हुए। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम इसके अंदर घी मिलाएंगे आधा कटोरी। तो मिक्स कर लेते हैं घी में इसको। अभी स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी आपको ड्राई लगेगा लेकिन धीरे धीरे ये लूज़ होने लगेगा। तो उसे लगातार चलाते रहिए तब तक जब तक ये लूज़ ना हो जाए। लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनते रहेंगे, लगातार ही चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना नीचे से। तो देखिए अभी ये लूज़ होने लगा है। अब मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे। और साथ में ही पानी डाल लेंगे केसर वाला और इसको चला लेंगे। हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये पैन की साइड ना छोड़ दे। बहुत ही टेस्टी हलवा है ये और हेल्दी भी है। तो अभी चलाते जाएंगे इसको लगातार। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें लेकिन फिर ये बहुत ही डिलीशियस भी लगता है खाने में। तो देखिए अभी हलवा जो है पैन से छूट रहा है तो ये बहुत ही दानेदार बना है। अभी 1-2 मिनट में इसे और चलाऊंगी जो घी है थोड़ा सा इसमें से निकलने लगे। तो हलवा मेरा रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। हलवा मैंने सर्व कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही डालिए। बहुत ही दानेदार है, टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।